Hello everyone. So today's topic is time and work, and question of the day is A and B finish a job in 10 days while B and C can do it in 18 days. Okay. A started the job and worked for 5 days and left the job. Then B worked for 10 days and remaining job is finished by C in 15 days. In how many days C alone have finished the whole job? ठीक है, सो क्वेश्चन पहले आप समझते हैं क्वेश्चन कहना की चाह रहे हैं ए ते बी दोनों इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं कितने दिन दे विच 10 दिन दे विच तो जो जो थोनू वैल्यूज दीती हुई है उसनु तुसी राइट डाउन कर लोगे ठीक है ए ते बी कितने दिन कर रहे थे 10 दिन दे विच फिर बी ते सी कर रहे थे सारे का सारा काम 18 डेज दे विच ठीक है फिर आगे की क्या है ए ने काम करना शुरू किया था सिर्फ 5 दिन काम किया फिर कौन आ गया बी आ गया बी ने उस तो बाद 10 दिन काम किया ते बाकी दा बचा काम किसने किया सी ने किने दिन 15 दिन दे विच बट हुन इथे अपने कोल दिक्कत की है जो एफिशिएंसी निकलेगी अपने कोल ग्रुप्स दे विच है यानी कि ए ते बी बी ते सी बट काम में अलग-अलग कर रहे हैं ते इथे ही थोड़ा जा ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन एलसीएम अपना कितना आ जाएगा 90 10 दिन दे विच 90 यूनिट्स काम हो रहे ता एक दिन दे विच कितना हुंदा होगा 9 18 डेज दे विच 90 काम हो रहा है ता एक दिन दे विच कितना हुंदा होएगा 5 आई होप इथे तक क्लियर हो गया होएगा सब नु ठीक है सो ए ने 5 दिन काम किया बी ने 10 दिन तो हम इथे ही थोड़ा सा कैचिंग पॉइंट होएगा ए ने कितने दिन काम किया 5 बी ने कितने दिन काम किया 10 ठीक है बट हुन मैं की करूंगा बी नु ब्रेक कर दूंगा कि तू 5 दिन कर ए दे नाल 5 दिन तू कर सी दे नाल क्यों क्योंकि मेनु पता है ए ते बी काम कर रहे हैं बी ते सी काम कर रहे हैं ठीक है तो आई होप इतना पॉइंट क्लियर हो गया होएगा तो हूं मैं कहूंगा बी नु कि तू 5 दिन ए दे नाल काम कर तो हूं दोनों अगर एक दिन दे विच ए है जो 9 ते ए ते बी अगर एक दिन दे विच 9 काम कर रहे थे तो 5 दिन अगर इकट्ठे मिलके करेंगे तो कितना काम हो जाएगा 45 यूनिट्स इतने तक समझ आ गया फिर हम टोटल बी है जो 10 दिन काम कर रहे हैं जिस जो 5 दिन हो ऑलरेडी ए दे नाल कर चुके हैं बाकी दे बचे हुए 5 दिन कैसे काम करेगा फिर सी दे नाल ठीक है एक चीज भी समझ आ गई बी ते सी हम काम करेंगे कितने दिन 5 दिन एक दिन कितना कर देंगे 5 का टोटल काम कितना हो गया 25 तो हम अगर आप गल करिए कितना टोटल वर्क हो गया इस 10 दिनों दे विच 70 यूनिट्स ठीक है ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋ ਗਏ 70 ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 90 ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 70 ਕਿੰਨਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਹੈ 20 ਹੁਣ ਇਸ 20 ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਸੀ ਬਟ ਸੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 15 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦਿਨ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਹੋਰ 10 दिन ठीक है तो हम अपन कह सकते हैं कि उसको 20 यूनिट्स करने को कितने दिन लग रहे थे 10 डेज ठीक है बट क्वेश्चन आपने जो पूछा ही है इन हाउ मेनी डेज सी अलोन हैव फिनिश्ड द वर्क यानी कि अगर सारे का सारा काम सी करेगा तो कितने दिन लगेंगे 20 यूनिट्स में उसको 10 दिन लग रहे हैं तो एक यूनिट करने में उसको कितना टाइम लगेगा 10/20 बट आपा सारा काम करवाना है तो सारा काम हैगा कितना 90 90 यूनिट्स में कितना टाइम लगेगा 10/20 × 90 इसमें तुसी फर्दर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 45 डेज ठीक है सो 45 डेज तो तुसी इतने लिख दो सॉरी फॉर दैट 45 डेज ठीक है सो यही आज अपना आज का क्वेश्चन सीगा थैंक यू